उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके लिए लगातार नए नए नाम सामने आ रहे हैं। और आज इन सबके बीच एक अहम मुलाकात हुई, एक ऐसी मुलाकात जो चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही। सूबे में साख बचाने में जुटी कांग्रेस पार्टी में भी हलचल तेज हो गई है। पार्टी में एक तरफ जहां बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, तो वहीं आए दिन बैठकों का दौर भी जारी है। इन सबके बीच गुरुवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात की। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनाया जा सकता है, यानी शीला को या तो सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है या फिर उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो शीला दीक्षित यूपी में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तीसरी पसंद है और पीके के सुझाव पर ही शीला के नाम पर चर्चा जोरों पर है। वैसे यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी समेत कई वरिष्ठ लोगों के नाम भी रेस में हैं, लेकिन जो नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है वो है शीला दीक्षित, क्योंकि इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहली वजह ये, 78 साल की शीला एक ब्राह्मण चेहरा है। ब्राह्मण नेता उमाशंकर दीक्षित के बेटे से शीला दीक्षित की शादी हुई थी, तो इस लिहाज से वो उत्तर प्रदेश में बहू मानी जाती हैं। और राजनीतिक पंडित कहते हैं कि यूपी में चुनाव चेहरे से ज्यादा जाति समीकरणों पर टिके होते हैं। ऐसे में शीला दीक्षित को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ब्राह्मण वोट अपने खाते में लाना चाहती है। इसके अलावा शीला दीक्षित कन्नौज से सांसद भी रह चुकी हैं और दिल्ली में 15 सालों तक सीएम रह चुकी हैं। ऐसे में शीला दीक्षित का नाम फिलहाल रेस में सबसे आगे है। इसके अलावा एक खबर और भी है कि शीला दीक्षित को अगर उत्तर प्रदेश से सामने नहीं लाया गया तो उन्हें पंजाब में प्रभारी का पद दिया जा सकता है, यानी शीला को अहम जिम्मेदारी मिलना तय है। वैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले हफ्ते भी बड़ा बदलाव किया था। कांग्रेस ने प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री की जगह गुलाम नबी आजाद को महत्वपूर्ण पद पर बिठाया था। माना जा रहा है कि सपा और बसपा का मुस्लिम वोट काटने के लिए ही आजाद को यहां लाया गया है। चुनाव अगले साल है, ऐसे में कांग्रेस आने वाले दिनों में और क्या बड़े फैसले लेती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। वैसे कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर कांग्रेस को दोबारा दिल्ली तक अपनी पहुंच बनानी है तो उसके लिए यूपी में जगह बनाना बेहद जरूरी होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।